Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now open your book students. Dear students, today we are studying chapter number 18, which is on third term syllabus, first chapter. Take care students. Which is on page number 83. Okay. Keeping healthy and fit. स्वस्थ और फिट रहना, एक्टिव रहना, ठीक है स्टूडेंट्स. गुड हेल्थ कीप अस एक्टिव स्ट्रॉन्ग एंड फिट. ये जो गुड हेल्थ होती है स्टूडेंट्स, अच्छी जो सेहत होती है वो हमें एक्टिव रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है, फिट रखती है, ठीक है. ये मैं आपको रिवीजन वर्क करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन. हमें गुड हेल्थ के जो, अच्छी सेहत के जो नियम होते हैं और हाइजीन के मतलब साफ़ सफाई के, वो हमें फॉलो करने चाहिए. और द रूल्स आर गिवन बिलो. जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो नीचे दिए गए हैं. देखिए, कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए. एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, मतलब व्यायाम कीजिए. हैव गुड फूड हैबिट्स, अच्छे खाने की आदतें लीजिए. स्लीप वेल, और अच्छे से सोइए, ठीक है स्टूडेंट्स. कीपिंग क्लीन, ये क्लीन करने का तरीका है, देखिए कि डेली ब्रश करना चाहिए 2 times. और हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए. और अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग और हेयर करना चाहिए प्रॉपरली. और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. और जब हमें कोल्ड हो रहा हो तो हमें अपनी, या फिर हमें वैसे भी अपनी हैंड, जो नोज़ होती है वो हैंड से नहीं, हैंडकरचीफ से क्लीन करनी चाहिए, ठीक है. उससे ही पहुँचनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए. और नियमित समय पर हमारे जो नेल्स होते हैं बढ़ जाते हैं, तो उनको कट करते रहना चाहिए, ठीक है. उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, छोटे रखने चाहिए और साफ़ रखने चाहिए. और एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी डेली बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए. और हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट एंड फाइन रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. और आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, ये हमें मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं. और हमें वी मस्ट स्टैंड एंड वॉक विद आवर बैक स्ट्रेट, हमें सीधे ही खड़े होना चाहिए और सीधे ही चलना चाहिए. हमें कभी झुककर नहीं चलना चाहिए और झुककर बैठना भी नहीं चाहिए. वी मस्ट सिट विद आवर बैक स्ट्रेट, हमें अपनी बैक स्ट्रेट को, एक बैक को जो है बिल्कुल स्ट्रेट करके ही बैठना चाहिए, कभी भी झुककर नहीं बैठना चाहिए. ये है गुड फूड हैबिट, सीरियल, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क. ये हमारे जो डेली के जो खाने की हैं, खाने की चीज़ें, ये हमें अपने डेली प्रतिदिन खाने में लेना चाहिए. दालें हो गई, अनाज हो गया, हरी सब्जियां, फ्रूट्स हो गए और दूध, ठीक है. ये तो हमें डेली का ही, इनका डेली सेवन करना चाहिए. दिस टाइप ऑफ डाइट हेल्प अस ग्रो प्रॉपरली, ये हमें प्रॉपरली जो है ग्रो करते हैं. इस तरह का डाइट जो है मदद करता है हमें ग्रो करने के लिए. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और ये हमें बीमारी से भी बचाता है. और इस तरह का जो खाना होता है ये होता है संतुलित आहार, यानी बैलेंस डाइट. वी मस्ट क्लीन, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, वाटर ऑल्सो कीप अस हेल्दी. हमें जो क्या कहते हैं, डेली भोजन पानी लेना चाहिए, पानी नियमित समय पर पीना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए. और पानी जो है हमें स्वस्थ बनाता है. वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे, वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड एंड स्वीट्स, इट्स मेक अस फैट. हमें खाना भी सही नियमित समय पर खाना चाहिए. और हमें ज़्यादा अधिक मात्रा में फ्राइड खाना या फिर स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, जो वो हमें मोटा बनाते हैं. देखिए, चॉकलेट्स को क्रॉस किया, स्वीट्स को क्रॉस किया, टॉफ़ीज़ को क्रॉस किया और कोल्ड ड्रिंक को क्रॉस किया, क्योंकि ये खाना नहीं चाहिए ज़्यादा अधिक मात्रा में. वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड्स, स्टेले फूड, फूड ब्राउट रोड साइड वेंडर्स, इट मेक अस सिक. हमें बिना ढका खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए. और रोड साइड जो वेंडर्स खाना बेचते हैं वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम बीमार होते हैं. और हमें प्रॉपरली अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए अच्छे से सोना चाहिए, ठीक है. नींद हमें प्रॉपर, जो कहते हैं 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. और कभी भी हमें सोते समय अपना फेस जो है वो नहीं ढक के सोना चाहिए, ठीक है. तो वी मस्ट कीप आवर सेल्फ हेल्दी, फिट एंड एक्टिव टू ऑल डू वर्क, टू डू ऑल आवर वर्क. तो हम इनसे, हमें अपने आप को हेल्दी, फिट और एक्टिव रखना चाहिए, ये सभी काम करते रहने के लिए चाहिए, करने के लिए. ओके, बाय स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू. एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू.